हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं खड़ा हूँ अपने ठीक गांव के सामने। तो आप लोगों को बता दें, तो कल की रात में बहुत बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। हमारे ठीक गांव के सामने हाईवे पर, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे जो निकला है उसी हाईवे पर दोस्तों, और 11 से 12 के बीच में हादसा हुआ है। तो दोस्तों, वो हादसा क्या हुआ है, एक बस में आग लग गई है दोस्तों, सवारियों से भरी हुई बस में आग लग गई दोस्तों। तो चलो चलते आपको दिखाएंगे। बताया जा रहा है उस बस में नेपाल के लोग थे जो हरियाणा से लौट रहे थे दोस्तों, और बीच रास्ते में आकर इस हाईवे पर आग लग गई। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, देखो वो हाईवे दिख रहा है। देखिए इतनी भीषण आग लगी हुई थी रात में। तो अब हम आ गए हैं सर्विस लाइन पर दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा है बस में। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए टायर इसके सभी जल गए। सारा सामान जल गया है, देखिए दोस्तों, कपड़े थे लोगों के, कपड़े भी जल गए। वीडियो बनाए भेज अपनी। देखिए सारा सामान, खाने का सामान था इसमें। लोगों ने देखा कि बस में कुछ भी नहीं बचा, जितना भी सामान था वो सारा का सारा जल गया दोस्तों। आप लोग देख सकते हो, देखिए ये देखिए अंदर का, देख सकते हो आप लोग कितनी भीषण आग लगी थी इसमें। देखो सिर्फ एंगल एंगल बचा है, सारा का सारा जल गया, देख लिया कितनी भीषण आग लगी थी इसमें। देखिए ये सारी सीटें होती हैं, देखिए सीटों पर आपके हाल हो गया दोस्तों। ये छत आप लोगों को बता दें, अभी इस टाइम हम खड़े हैं आगरा से जो लखनऊ एक्सप्रेस वे निकला है, हमारे गांव से ही गुजर के निकला है दोस्तों। ये ठीक हमारे गांव के सामने ये हादसा हुआ, आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी बस जल गई। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, बस में जितनी भी सवारियां थी उनको कोई भी चोट नहीं पहुंची है, वो सारे के सारे सुरक्षित निकल आए दोस्तों। ये बहुत ही खुशी की बात है, सारी की सारी सवारियां अच्छे से निकले आई और सुरक्षित से निकले आई। तो लोग बता रहे हैं कि हरियाणा से लौट रहे नेपाल के लोग थे इसमें पूरी बस में दोस्तों,
जितने भी लोग थे किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। जितने भी लोग थे नेपाल के और इस बस में जितनी भी सवारियां बैठी थी वो सारी की सारी सुरक्षित निकलाई दोस्तों। तो ये अच्छी बात है कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची और सभी लोग सुरक्षित निकले आए दोस्तों। और लेकिन सभी का नुकसान बहुत हो गया, आप लोगों को मैंने दिखाया वीडियो में, कपड़े जल गए, पैसे वगैरह जो खाने पीने का सामान था दोस्तों वो सारा का सारा जल गया है। तो चलो ये तो ज़िंदगी रही तो फिर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सभी की जानें बच गई ये बहुत ही अच्छा हुआ। पैसा तो अपनी लाइफ में सभी कमा लेंगे लेकिन किसी की जान चली जाए वो वापस नहीं आ सकती है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा हुआ सभी लोग सुरक्षित निकलाए। और ये हादसा कल रात 11-12 के बीच में हुआ दोस्तों। बोल रहा है कोई इसका जो सिलेंडर होता है सिलेंडर फटने से आग लगी है, कोई कुछ भी बोल रहा है, पता नहीं किस तरीके से आग लगी है दोस्तों। और इस बस में जितनी भी सवारियां थी जितने भी नेपाल के लोग थे वो सारे के सारे रात में ही निकल गए दोस्तों दूसरी गाड़ी से। और ये यहाँ पड़ी हुई है, देख सकते हो आप पूरी की पूरी गाड़ी जल गई है। बस इस बस में लोहे की बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों, आप समझ सकते हो कितनी भीषण आग लगी होगी इस बस में। देख लो सिर्फ लोहे की बॉडी रह गई है और कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है दोस्तों। जितनी भी सवारियां थी सभी का नुकसान हुआ है, कपड़े जल गए, किसी के पैसे जल गए। देखिए ये इस बक्से में कपड़े भी थे, पता नहीं इसमें क्या क्या होगा, देख लो इसमें रुपए और मिले थे। इसमें बक्स था बता रहे हैं, पैसे भी जले हुए निकले थे इसमें, बहुत पैसा इतनी बड़ी होती है। ये बॉक्स था देख लो, और इसमें ये जली हुई साड़ियाँ, ये धनम है। अरे तो अब हम हाईवे से नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। ये गांव के लोग सारे देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम वहां से लौट आए दोस्तों, बोरा मेरा खेत, वो आम का पेड़ खड़ा हुआ है उसी के पीछे वाला मेरा खेत है दोस्तों। तो इस टाइम अभी हम अपने गांव के ठीक सामने हूँ सर्विस लाइन पर। तो आपको बता दें ये जो हादसा हुआ है वो किस ज़िले में हुआ दोस्तों, वो इटावा ज़िले में हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता है हम इटावा से। देखिए मेरे गांव में ऐसे बच्चे इधर उधर रेंगते रहते हैं, इनके घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं कि बच्चे छोटे छोटे हैं और इतनी तेज़ी तेज़ी से गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ पर रोड पर, किसी को कोई परवाह नहीं। अभी कोई हादसा हो जाए तो फिर इधर उधर ले फेरेंगे। तो अभी आपने वीडियो में देखा होगा, जो वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है, तो अब वहाँ पर बहुत सारे लोग कोई कुछ ढूंढ रहा था, कोई कुछ तोड़ रहा था, ये सब गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। अगर करनी है तो किसी की हेल्प कीजिए, अगर कोई परेशान है कोई मुसीबत में कोई हादसा हो गया तो किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन अब लोग ऐसे नहीं रहे हैं। मदद करने की जगह देखेंगे इसके पास पैसे कितने हैं, क्या क्या इसके पास, बस वो हड़पने के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। वो ऊपर बैठा है भगवान, वो सबको देखता है तुम क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो, सजा सबको मिलनी है दोस्तों।
तो सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं और अच्छे भी लोग होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं तो उनके साथ अच्छा ही होगा, कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। अगर किसी के साथ में आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही होगा आपके साथ में भी। तो अब हम जा रहे हैं घर दोस्तों। देखिए हमारे ये गांव के खेत हैं, देखिए इसमें आलू रख गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कॉमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।